आज हम जैक की वैक्सीनेशन करवाने के लिए लेके जा रहे हैं, तो चलिए आपको इन्फॉर्मेटिव की वीडियो देते हैं कि कौन सी वैक्सीन अच्छी रहती है डॉग के लिए, तो उसके बारे में आपको बताएंगे आज। देखें ये है DHPPI और ये LR लेप्टोस्पायरोसिस और रेबीज, और ये डिस्टेम्पर हेपेटाइटिस, ए पार्वो पॉलीकोपिनिया इन्फेक्शस लेरिंजोट्रेकाइटिस। ठीक हो गया, ये सात बीमारियां जो है इसको कवर करती है, सात बीमारियां, और इसके अलावा रेबीज भी पीछे आ रहा है। रेबीज आ गई ना, ये जो ना, ठीक है, एल का मतलब लेप्टोस्पायरोसिस, आर का मतलब रेबीज। ठीक हो गया, ये आप देखने का मतलब, बल्कि ये दोनों को ना आप इसमें शूट कर दें। जी ठीक है, ताकि आपका रिकॉर्ड भी रहेगा ना। हाँ जी, खाने का तो कोई इशू नहीं है कि पहले खिलाना या बाद में खिलाना? कोई कत्तन कोई मुश्किल नहीं है, कोई इशू नहीं है। इसको भी तकरीबन आधा घंटा हो गया मैंने खाना, कोई मुश्किल नहीं है इसका, इसका फर्क नहीं है। ये वैक्सीन के बाद में बाद का हल्का सा वेरी भी हो जाता है जी। ये कुछ जानवरों को थोड़ी सी ना आपको लगेगा थोड़ा मतलब अननेस्ट महसूस होगी, या थोड़ा सा मतलब ना ऐसे हल्का सा टेम्परेचर किसी तरह पड़ता है, जरूरी नहीं है, लेकिन उस पर कोई देना नहीं है आपने कुछ भी, किसी किस्म की ट्रीटमेंट नहीं करनी, मतलब कोई पेन किलर नहीं देना, कोई रिलैक्सन नहीं देना, रूटीन में जो फीड देता वही देनी है। इन दोनों को मिक्स करेंगे, ये देखना चाहिए आप, तो वैक्सीन का टेम्परेचर भी होता है कुछ? हाँ जी, इसका टेम्परेचर, इसका स्टोरेज टेम्परेचर होता है 2 to 6 2 डिग्री सेंटीग्रेड से डाउन होना चाहिए, 6 से अपनी होना चाहिए, ठीक है, 8 से ऊपर तो कत्तन नहीं होना चाहिए ना, 2 to 6 इसका नॉर्मल है, ये 2-3 डिग्री टेम्परेचर हो तो वो रहता है। ठीक है, उससे अगर 8 से ऊपर हो जाएगा तो ये एक्सपायर मतलब खत्म हो जाएगा, फिर बहुत जल्दी इसमें से वायरस जो है ना वो खत्म हो जाता है। ठीक है, हाँ जी, इसको डिपो बना देते हैं ना ये, फिर खुद इसमें से वो जज्ब हो जाता है, मल्ला नहीं बिल्कुल। ठीक है, ठीक हो गया, गुड बॉय। हाँ जी।